दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका इस चैनल पर। हम बात करते हैं स्पीकिंग की, राइट? यू आर गोइंग टू इम्प्रूव, डेफिनेटली इट्स माई प्रॉमिस टू यू, बट यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द सीरीज विच वी आर रनिंग फॉर यू। हम आपके लिए जो कंटेंट लेके आए हैं और इस कंटेंट को जिस तरीके से डाल रहे हैं, 100% रिजल्ट आएगा, बट यू नीड टू बिलीव फॉर दैट। ठीक है, अगर आप बिलीव करेंगे, यू विल बी एबल टू लर्न इन एन एफिशिएंट मैनर। प्लीज सपोर्ट अस एंड यू नो थिंक अबाउट द एंडेवर्स वी आर पुटिंग फॉर यू। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सके। और आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और कुछ नया सीखने वाले, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आज बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। शब्दों को जोड़ना सीखते हैं। किसी भी सीरीज में आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पता तो होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। ग्रामर की टीचर्स ने आपको या स्कूल की टीचर्स ने आपको बड़ी लंबी लंबी थ्योरी दे रखी है। इस चीज को मैंने बहुत ज्यादा छोटा कर दिया है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग स्किल्स, नॉट ग्रामर, राइट? लेकिन ग्रामर को भी हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ा सा पोर्शन बहुत ज्यादा छोटा करके, एब्रीवेटेड करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो हम देखते हैं बोर्ड पर कि क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। टोटल मिला के कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। नाउन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, जिस किसी चीज का आप नाम ले सकते हो, वी कैन कॉल इट नाउन्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर देख लेते हैं तो राम इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को छोटा कर दिया ना, नेमिंग वर्ड्स कर दिया, तो नाउन को कितना याद रखना है? नेमिंग वर्ड्स। राम, टेबल, ठीक है, वो कैटेगरी हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, वो बात की बात है। फिलहाल हम सीख रहे हैं कि नाउन क्या होता है, जब डीप में पढ़ेंगे तब बात अलग करेंगे। ठीक है, टेबल हो गया, चेयर हो गया, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बुक्स। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ETC, को कैसे भूल सकते हैं मेरे भाई। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन्स, नेम, ठीक है, नेमिंग वर्ड्स क्या हो गया? In place of noun, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं in place of noun, what comes? Pronoun, example के तौर पे राम के लिए क्या यूज करेंगे भैया? He, सीता के लिए क्या यूज कर देंगे? She, तो in place of noun, when you are using a word, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? Pronoun हो जाएगा। और non living thing के लिए आप क्या यूज करते हो? It, और इट का यूज आप एनिमल्स के लिए भी कर लेते हैं यार, ठीक है, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, रफ आइडिया दे रहा हूं, जब पूरा चैप्टर चलेगा देन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डीप, ठीक है, लेकिन गहराइयों में उतरने से पहले जरा ऊपर तैरना सीख लेते हैं। नाउन, प्रोनाउंस, ठीक है, इसको भी नाउंस कर लेते हैं। अब आता है वर्ब। वर्ब तो कितनी बार पढ़ चुके हो लाइफ में ना, वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स, ठीक है, स्टेट बताऊंगा बाद में, कंडीशन बताऊंगा बाद में। एक्शन वर्ड्स की बात करते हैं तो एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। भैया सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाना, भूखे मर रहे हो सालों, खा लो कुछ है, ईटिंग। सोना भी तो बहुत पसंद है स्टूडेंट की लाइफ में, और काम ही क्या है, खाना, सोना और एक तुम्हारा फेवरेट हगना। आजकल हगना बहुत ज्यादा फेवरेट हो चुका है, क्योंकि वहां पर बैठ के मोबाइल चला लेते हो भाई, अपने करियर की तरफ ध्यान दे लो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं भैया, फिर से आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब क्या होता है? नाम से ही बता रहा है तुम्हारे को, चीख चीख के बोल रहा है, सुन ले मेरे भाई। एडवर्ब, एड सम मीनिंग टू द वर्ब, ठीक है, एड मीनिंग टू द वर्ब, मीनिंग टू वर्ब, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, ही डिड द सम, उसने काम किया, तो वर्ब क्या हो जाएगा? करना, डिड, और तेजी से कर दिया, क्विकली, क्विकली, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्विकली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। स्मार्टली, उसने काम किया, स्मार्टली किया, दैट इज एन एडवर्ब। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की, ठीक है, एंजॉय करो, सीखने को एंजॉय करो, एडजेक्टिव, यू हैव सम क्वालिटीज विद यू, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं क्वालिटीज की, तो क्वालिटी क्या हो सकती है भैया?
एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, ऑनेस्टी एक क्वालिटी है। ओ हनी ने दिया, याद आ गई दीदी की, लगता है ऑनेस्टी। और एग्जाम्पल कुछ बोलना चाहोगे ऑनेस्टी के साथ साथ क्या देख सकते हैं भैया? अर्नेस्टली, ERNESTLY, इसका मतलब होता है सीरियसली। द पर्सन डिड सम वर्क विद अन, द पर्सन डिड सम वर्क अर्नेस्टली, सीरियसली उसने कुछ काम किया, तो इट्स एन एडजेक्टिव, राइट? क्वालिटी है ना उस व्यक्ति की, सीरियसली काम कर रहा है तो, राइट? देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं प्रेपोजिशन की, प्रेपोजिशंस, राइट? तो देखो यहाँ पे खुद ही तो बोल रहा है कि प्री पोजिशन, प्री मतलब पहला, पोजिशन मतलब पुट करना किसी जगह पे, है ना? तो अभी हम बात कर रहे हैं, इट शोज रिलेशन, क्या बनाता है भैया? रिलेशन बनाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं मेरे भाई, ऑन, ठीक है? और ज्यादा डीप में समझते हैं इसको, ज्यादा कहते हैं ही इज ऑन अ चेयर, वो चेयर पर बैठा है मेरा भाई। उठा दूं, बोलो उठा दूं क्या? नहीं, चलो देखो बैठे रहने भाई को, है? ही इज, ही का रिलेशन चेयर के साथ कौन शो कर रहा है? ऑन शो कर रहा है। तो हियर ऑन इज अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? विच शोज रिलेशन, रिलेशन, ठीक है? जो दो चीजों के बीच में रिलेशन शो करता है उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शंस, ठीक है? बहुत आसान है ये भी, फिर से कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। देखो आइडियाज लग जाएंगे ग्रामर के, कि ग्रामर होती क्या है। Why were you afraid of grammar when it can be very easy for you to learn with our help? ठीक है, तो conjunction की बात करते हैं, it adds something, ठीक है? क्या करता है? दो चीजों को जोड़ देता है, आपस में join करता है, ठीक है? और एक अच्छा word दे सकते हैं इसके लिए, क्योंकि add हमने पहले use कर लिया, तो join word use कर लेते हैं या join कर लेते हैं, सीधा इतना बड़ा भी क्या लिखना, लिखते हैं join, ठीक है? It joins two things together, example, कितना प्यारा है ना, राम एंड सीता की जोड़ी, वाह वाह, जय श्री प्रभु राम की, राम एंड सीता, ठीक है? तो एंड इज अ कंजंक्शन, एंड इज अ कंजंक्शन जो राम और सीता को जोड़ रहा है। टेबल एंड चेयर, ठीक है? ये सब क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं, राइट? अब बात करते हैं लास्ट वाले की, दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब पिछवाड़े पे कई बार इंजेक्शन लगा है ना, ये वो वाला नहीं है। इट इज इंटरजेक्शन मतलब अचानक से, सडन। सडन फीलिंग्स की अगर बात करते हैं तो इट इज टॉकिंग अबाउट सडन फीलिंग्स, एक्शन बोल सकते हो, राइट? बहुत सिंपल है एक्शन, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, हुर्रे, वाह, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, मजा आ गया, ठीक है? दोस्तों वक्त आ गया है आपको मिलवाने के लिए आपके सबसे प्यारे दोस्त से। अगर इसको बोलना सीख गए तो शायद ही किसी शब्द में अटकोगे। एंड इट कंटेन्स 45 लेटर्स, ठीक है? सबसे बड़ा वर्ड इंग्लिश का। चलो आओ मुलाकात करवाते हैं उस वर्ड से, देखें जरा क्या बोलता है ये वर्ड, चलिए देखते हैं, आ जाइए, कम ऑन। द लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश इज निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस, मजा आ गया, तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है? निमोनो, ठीक है? पी साइलेंट रहेगा, पी इज साइलेंट ओवर हियर। निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस, तोड़ तोड़ कर सीखते हैं ना, अगर कोई वर्ड को दिक्कत हो रही है तो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन, दैट इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द सेंटेंस, इन एनी ऑफ द वर्ड, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन, और उसको तोड़ना आपके हाथ में, आपके दिमाग के हाथ में, कि आप कैसे तोड़ेंगे उसको, ठीक है? तो जैसे ये वर्ड है निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस, ठीक है? इट्स अ गुड वर्ड, इसका मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं, प्रैक्टिस करनी है, चलो एक बार प्रैक्टिस भी कर लो मेरे साथ ना, बोलो निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस, ठीक है? वोल्केनोकोनियोसिस ऐसे बोलना है। वीडियो को स्लो करें, आपके पास ऑप्शन होता है, और साथ साथ प्रैक्टिस करें, और इसका मतलब भी जान लेते हैं मेरे भाई। लंग्स डिजीज, ठीक है? लंग की डिजीज होती है, जो कि कॉज होती है, कैसे होती है? बाय इनहेलिंग ऐश, ऐश, ऐश्वर्या, बीवी नहीं उसकी, ठीक है? ऐश्वर्या,
जो अभिषेक की बीवी है मैं उसकी बात नहीं करूं, ऐश मतलब होता है जो बुझी हुई राख होती है उसको ऐश बोलते हैं, एंड सैंड डस्ट, ठीक है, जो मिट्टी के कण होते हैं अगर आप उसको इनहेल कर लेते हो तो आपको ये प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर आपको समझाएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, इतना बड़ा तो वर्ड है बीमारी का, और बीमारी कितनी बड़ी होगी, भगवान बचाए, ठीक है। तो चलो भैया, आज आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव, एंड दिस वर्ड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपके लिए आपके दोस्त आपके सर कपिल सर, थैंक यू।